मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार अब कृषि विभाग किसानों के लिए नई सौगात लेकर आया है। जिन छोटे और मझोले किसानों के पास अपनी खेती करने के लिए सभी तरह के कृषि उपकरण नहीं हैं, उन उपकरणों को अब वो किराए पर लेकर अपनी कृषि कार्य कर सकेंगे। इसके तहत कृषि विभाग प्रदेश में 100 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने जा रहा है और इनके लिए सहकारिता विभाग की सहायता ली जा रही है। इन केंद्रों पर 8 करोड़ की राशि खर्च होगी और हर केंद्र को अधिकतम 8 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। ये केंद्र 30 जिलों में खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा केंद्र राजसमंद में खोले जाएंगे, 12 इनकी संख्या होगी। प्रतापगढ़ में 7, जयपुर में 6 कृषि उपकरण किराया केंद्र खोले जाएंगे। देखिए, कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो इस तरह का सेंटर है जिसमें एक ही जगह पे ट्रैक्टर के साथ साथ कई सारे जो कृषि के संबंधित उपकरण हैं, जैसे रोटावेटर है, थ्रेसर है, रीपर बाइंडर है, इस तरह की चीज़ें जो है एक ही जगह पे मिलती है। तो और वहाँ से कोई भी किसान जो है उसको किराए पे ले जा सकता है। तो हर किसान को इस तरह की चीज़ें खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि साल में जो है किसान के पास 2 या 4 दिन इसका काम आता है। साल भर ये सारे तवी हो गए, रोटावेटर हो गए, साल भर पड़े रहते हैं, तो किसी एक जगह पे एक के पास हो जाएगा जहाँ से लोग उसको किराए पे ले जा सकते हैं। जैसे आज की तारीख में अपन ऊबर का मॉडल अपन कहते हैं कि जो जिसको भी जाना है वो अपने टैक्सी या वो बुक करवा देता है, तो गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं। आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है, गाड़ी आपने किराए पे दी, वहाँ पे छोड़ दी, फिर आगे कहीं जाना है फिर से गाड़ी बुक कर लेते हैं। तो गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं रहती, आप किराए पे जिस तरह से बुक करते हैं इसी तरह से आप कृषि के जो उपकरण हैं वो आप किराए पे ले जा सकते हैं। सभी को उपकरण खरीदने की जरूरत है। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए।